नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित सिंह और आप देख रहे हो आर टेक्निक चैनल। दोस्तों मैं आपसे कुछ शेयर करने आया हूं इस टेलो ड्रोन के बारे में। मैंने इसको 5-6 दिन ऑपरेट किया, इसको उड़ाया और इसका फाइनली जो रिजल्ट है कैसा है, अच्छा है, बुरा है, क्या है, मैं सारी चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिल्कुल हिंदी में। तो इस वीडियो को आप देखते रहें लास्ट तक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस ड्रोन को जब मैं फ्लाइट किया तो मुझे बहुत चीज़ें इसके बारे में पता चला। इसके पहले मैं अच्छी चीज़ आपको बताता हूँ। अच्छी चीज़ें ये है कि 50 मीटर के रेंज में अगर फ्लाई करवाते हो इसका वीडियो क्वालिटी जो है वो बिल्कुल अच्छा आता है और ये बहुत ही स्टेबल फ्लाइट करता है, बहुत ही अच्छा मतलब स्टेबल। आपको लगेगा कि आप कोई महंगा ड्रोन आप उड़ा रहे हो और इसका वीडियो क्वालिटी जो है वो भी बिल्कुल ही बढ़िया आता है इस टेलो ड्रोन का। लेकिन जैसे ही ये 50 मीटर के रेंज से बाहर जाता है, ये फ्लाइट तो स्टेबल ही करता है बट इसका वीडियो का रेंज जो है वो टूट जाता है। आपके मोबाइल पे वीडियो रुक रुक के आना स्टार्ट हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता कि ड्रोन का एक्चुअली फेस किधर है। जैसे ही आप इसको वापस 50 मीटर के रेंज में लाते हो तो बिल्कुल वो बराबर काम करने लगता है। और इसका वीडियो क्वालिटी और फोटो क्वालिटी कैसा है रियलिटी में, मैं आपको अपनी इस वीडियो में ही आपको दिखाऊंगा। वीडियो क्वालिटी भी और फोटो क्वालिटी दोनों अपने वीडियो में ही डालूंगा, आप एंड तक इस वीडियो को देखना। और एक बात और, आप अगर इसको रात को फ्लाइट करवाते हो तो ये रात को बिल्कुल बेकार है, ना ही स्टेबल होता है और इसका वीडियो और इसका बात तो आप छोड़ ही दो कि वीडियो इससे आप ले सकते हो, बिल्कुल बेकार है। आप इसको इससे चाहो कि रात को आप वीडियो शूटिंग करो तो बेकार है। दिन में ये काम अच्छा करता है, रात को ये बिल्कुल बेकार है, इसका कोई भी सेंसर वेंसर काम नहीं करता। यह जब पानी के ऊपर आप इसको फ्लाइट करवाते हो तो ये पानी में भी बिल्कुल काम नहीं करता, इसका सेंसर काम नहीं करता, ऑटोमेटिक अपने आप लेफ्ट राइट नया बाया अपने आप भागने लगता है। अगर आप पानी के ऊपर फ्लाइट करवाओगे तो हो सकता है पानी में गिर जाए। मैंने वीडियो डाला हूँ अपने चैनल पर जिसमें बाढ़ के बारे में मैंने बताया, इसमें कुछ मेरे दोस्त हैं जो मतलब कि मौज कर रहे हैं। तो मैं इस ड्रोन से शूट लेने गया था लेकिन जब मैं इसको फ्लाइंग करवाया पानी के ऊपर में तो बिल्कुल काम नहीं करने लगा, तो मैं इसको नीचे उतार के इससे फिर शूट नहीं किया, अपने मोबाइल से इसको शूट किया हूँ। आप उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। और दोस्त अपना प्यार हमें बनाए रखो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, इस तरह का वीडियो मैं आपको डालता रहूँगा। और दोस्तों एक चीज़ और, इस टेलो ड्रोन का आप रेंज को जो वाईफाई रेंज आप इसको बढ़ा सकते हो, वो कैसे, एक वाईफाई रिपीटर है, वाईफाई रिपीटर 2 जिसके उपयोग से आप इसको बढ़ा सकते हो। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उस वाईफाई रिपीटर का अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा जो मैंने मंगवा लिया है, अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा। और उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि आप वाईफाई को अपने टेलो ड्रोन से और मोबाइल से दोनों से के बीच में कनेक्ट कैसे करके इसका रेंज को कैसे बढ़ा सकते हो और उस टाइम इसका वीडियो क्वालिटी क्या है और फोटो क्वालिटी क्या है ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें और सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। कुछ गलतियां हो तो कमेंट में लिखें मेरे वीडियो में क्या गलतियां हैं, मैं इसको सुधारूंगा। ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।